नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समरी ऑफ लीव रूल्स। सो लीव रूल्स 1972 के बारे में विस्तार से इस चैनल पर लीव रूल्स के प्लेलिस्ट में चर्चा की गई है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देख लें। उसमें लीव और एक लीव के कैटेगरी को एक पूरे क्लास में डिस्कस किया गया है, सो दैट कुछ छूट ना जाए। इस क्लास का उद्देश्य ये है कि बिफोर एंट्रिंग टू द एग्जामिनेशन हॉल में जस्ट जाने से पहले कम समय में पूरे लीव रूल को एक साथ रिवाइज कर सके, सो दैट जो आउट ऑफ माइंड फैक्ट हो गए हों वो एग्जाम हॉल में बैठते ही आपके आंखों के सामने आ जाए, याद आ जाए। तो समरी ऑफ लीव रूल्स में हम जनरल प्रिंसिपल्स, अर्नड लीव, हाफ पे लीव, कम्यूटेड लीव, लीव नॉट ड्यू, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, लीव सैलरी, मैटरनिटी लीव, पेटर्निटी लीव, स्टडी लीव, कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव, चाइल्ड केयर लीव, इनके बारे में हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करने जा रहे हैं। सो जनरल प्रिंसिपल पहले देख लेते हैं। ये प्रिंसिपल गलत हो गया है, प्रिंसिपल्स होना चाहिए। पहला प्रिंसिपल ये है कि लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज मैटर ऑफ राइट। देखिए, समझना ये है कि जो कोई भी एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट को एम्प्लॉयर ले लेते हैं, सो गवर्नमेंट इम्प्लॉय करती है अपना कुछ जो कुछ जॉब होती है, कुछ वर्क होते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के एम्प्लॉय करती है। सो प्राइमा फेसी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जॉब का ये है कि आपको जो कार्य दिया जा रहा है उसको आप समय से करें। ये सत्य है कि उसके साथ साथ आपके अधिकार भी हैं, लेकिन आपके अधिकार उस ऑर्गेनाइजेशन के अधिकार के ऊपर नहीं है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उसका हित मेरे पर्सनल हित से ऊपर होता है, और इसीलिए लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। इन जनरली लीव मिलता है, सबको मिलता है, सब लेते हैं, परमिशन लेकर के लेते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, परमिशन मिलता है तब लीव लेते हैं। अगर नहीं परमिशन मिलता लीव नहीं ले सकते। व्हाई? बिकॉज लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। अगर लीव मिल भी गया तो उसको अगर डिपार्टमेंट जरूरी समझता है तो वो रिवोक कर सकता है। लीव अप्लाई अगर आपने किया है तो अगर डिपार्टमेंट चाहे, कंपिटेंट सैंक्शनिंग ऑथोरिटी चाहे, तो उस लीव को ग्रांट भी कर सकती है, रिफ्यूज भी कर सकती है, और पहले से जो ग्रांटेड है उसको रिवोक भी कर सकती है, रिकॉल भी कर सकती है। ये कंपिटेंट ऑथोरिटी के पास पावर है। किस लिए? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे कोई आर्बिट्रेरी रीजन के लिए नहीं, फॉर द सेक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऐसा किया जा सकता है। एनी क्लेम टू लीव टू द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय हु इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड। सो हिसाब यह है कि आपके क्रेडिट में, आपके लीव में चाहे जितने भी क्रेडिट हो, 200, 300, 400, 500 जितने भी क्रेडिट हो, ये तभी तक आपके लिए हैं जब तक आप सर्विस में हैं, जब तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं। एक बार उस ऑर्गेनाइजेशन से डिसमिस हो गए, रिमूव हो गए, रिजाइन हो गए, रिटायर हो गए, तो जिस दिन से उस ऑर्गेनाइजेशन से आप रिटायर हो गए, उसके बाद से तो आप परमानेंट लीव पे चले गए, तो उसके साथ ही रिटायरमेंट के साथ ही, रेजिग्नेशन के साथ ही जो लीव का क्रेडिट है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है, कोई उसका यूज नहीं है। नो एम्प्लॉय शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 5 years। ये एग्जाम में आया था, पिछले एग्जाम में ये आया था। कंटिन्यूसली 5 ईयर से ज़्यादा लीव नहीं ले सकते। सारे लीव जोड़ लीजिए, मेटर्निटी लीव जोड़ लीजिए,
चाइल्ड केयर लीव जोड़ लीजिए, हाफ पे लीव जोड़ लीजिए, लीव नॉट ड्यू जोड़ लीजिए, ईएल जोड़ लीजिए, जितना भी स्टडी लीव सब लीव जोड़ लीजिए। सब लीव जोड़ने के बाद भी रूल ये है कि 5 ईयर से ज़्यादा कंटिन्यूसली मतलब वन गो में लीव नहीं ले सकते। प्रीफिक्सिंग एंड सफिक्सिंग holidays to leave other than leave on medical certificate shall be allowed automatically. So जो generally central government में 5 days week का pattern है, so 5 days week में Saturday Sunday prefix हो जाएगा, next Saturday Sunday अगर 1 week का leave है तो suffix हो जाएगा। ये prefix और suffix वाला rule सिर्फ और सिर्फ medical certificate वाले केस में लागू नहीं होता, बाकी सब में ये ऑटोमेटिकली अलाउड हो जाता है। इन केस ऑफ एम्प्लॉई हु इज रिकॉल्ड टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव, सच रिकॉल ऑफ लीव शैल बी ट्रीटेड एज कंपलसरी। अगर किसी को रिकॉल किया जाता है लीव पर से, तो उसके बाद उनको लीव कर्टेल करके ड्यूटी ज्वाइन करना ये कंपल्सन है, ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा नहीं करते तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। सो रिकॉल होते ही इमीडिएटली एज अर्ली एज पॉसिबल अपना ड्यूटी ज्वाइन करना है। एन एम्प्लॉय ऑन लीव शैल नॉट रिटर्न टू ड्यूटी। अगर कोई एम्प्लॉय लीव पे है, अगर आप 2 वीक्स तक का लीव में है, तो 2 वीक तक लीव में है तो जब तक आपका लीव खत्म नहीं हो जाता, समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आपको ड्यूटी में नहीं आना चाहिए, अनलेस अंटिल परमिटेड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर किसी एम्प्लॉय ने मेडिकल सर्टिफिकेट पे लीव लिया है ना, कम्यूटेड लीव लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट पे, तो अगर किसी एम्प्लॉय ने मेडिकल सर्टिफिकेट पे लीव लिया है तो वो तब तक ड्यूटी नहीं ज्वाइन कर सकते जब तक वो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लाते। अगर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट पे लीव ले लिया तो लीव मिल जाएगा, ज्वाइन करने के लिए आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे। An employee on leave should not take up any service or employment elsewhere. So, ऐसा ना हो कि आप 180 दिन या 200 दिन जितना भी accumulate आपने किया है leave, उसको at a time 180 दिन का आपने leave ले लिया, 180 दिन means 6 month होता है, और कहीं दूसरे जगह जा करके आप job करने लगे, नहीं कर सकते ऐसा। क्यों? क्योंकि leave period में भी you are employee of your own organization. Double employment is not allowed. Vacation can be combined with any kind of leave, but duration of vacation and earned leave should not exceed 180 days at a time. So, कुछ vacational staff होते हैं, जैसे स्कूल वगैरह हो गया, ये लोग vacational staff होते हैं। So, vacation को किसी भी leave के साथ combined कर सकते हैं, लेकिन condition यही है कि vacation plus earned leave ये दोनों मिल करके 180 डेज से ज़्यादा एट ए टाइम नहीं होना चाहिए, एट ए स्ट्रेज नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली 180 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्रांट ऑफ लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, अ CGHS बेनिफिशियरी शुड प्रोड्यूस मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम ए CGHS डॉक्टर। सो जो लोग CGHS बेनिफिशियरी हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से ट्रीटमेंट लेते हैं, उनको मेडिकल ग्राउंड पे अगर लीव लेना है तो CGHS डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट लानी होगी। जो लोग नॉन CGHS बेनिफिशियरी हैं, और चाहे जो CGHS बेनिफिशियरी जो आउट ऑफ स्टेशन चले गए हैं, वो क्या कर सकते हैं, दे शुड प्रोड्यूस सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट। सो AMA से लेकर के आएंगे वो भी एक्सेप्ट है, नॉन गजिटेटेड केस में RMP से लेकर के आएंगे वो भी चलेगा, अगर 8 किलोमीटर के अंदर AMA अवेलेबल नहीं है तो। नोट कर लीजिए, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, विद इन रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर ऑफ इस रेसिडेंस। वेर ए नॉन गजिटेड ऑफिसर सर्वे गवर्नमेंट सर्वेंट फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू अपटेन, अगर नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट को, नॉन गजिटेड गवर्नमेंट सर्वेंट को मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट अपटेन करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो RMP का सर्टिफिकेट लेकर के काम चलाया जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सैंक्शनिंग अथॉरिटी।
राइट। एंड लीव द लीव इंटाइटलमेंट ऑफ वेकेशनल स्टाफ एंड नॉन वेकेशनल स्टाफ वियर सेम एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्नड लीव। सो वेकेशनल स्टाफ जैसे स्कूल हो गया, कोर्ट वगैरह हो गया, और नॉन वेकेशनल स्टाफ जैसे हम लोगों का हो गया, इन दोनों में लगभग लीव जो है वो सेम है एक्सेप्ट अर्नड लीव। वेकेशनल स्टाफ्स आर नाउ इंटाइटल्ड फॉर 20 डेज हाफ पे लीव इन लीव ऑफ 10 डेज अर्नड लीव देन एडमिसिबल। सो वेकेशनल स्टाफ को पहले 10 दिन का अर्नड लीव मिलता था, उसके बदले में अभी 20 डेज का हाफ पे लीव परमिट किया गया है। अर्नड लीव क्रेडिट विल बी अफोर्डेड इन एडवांस एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 15 डेज 10 डेज SPL। सो अर्नड लीव और SPL की बात यह है कि हर 1 जनवरी और 1 जुलाई को, एवरी 1 जनवरी एंड एवरी 1 जुलाई 15 डेज अर्नड लीव प्लस 10 डेज हाफ पे लीव, 15 डेज EL प्लस प्लस 10 डेज HPL, इनको एडवांस में 1 जनवरी और 1 जुलाई को गवर्नमेंट सर्वेंट के लीव में क्रेडिट कर दिया जाता है, एडवांस में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर एडवांस में तो क्रेडिट कर दिया जाता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई EOL पर चले गए हों या डाइस नन पे चले गए हों, तो ये जो प्रोपोर्शन है 15 डेज का और 10 डेज का, ये रिड्यूस हो जाता है बाई 1/10 ऑफ द EOL अवेल्ड। एग्जाम्पल बताते हैं, किसी एम्प्लॉय ने 6 मंथ में 20 डेज का EOL ले लिया, तो 20 डेज का 1/10 कितना होगा, 2 होगा। तो 20 डेज EOL लेने से इनका जो 2 डेज है वो इस 15 डेज में से माइनस हो जाएगा। सो इसके बाद जो क्रेडिट किया जाएगा वो 13 डेज ही क्रेडिट किया जाएगा। ये जो 15 डेज क्रेडिट किया जा रहा है, ये 2.5 डेज पर मंथ वर्क डे के अनुसार क्रेडिट किया जा रहा है, 2.5 डेज पर मंथ वर्कड, प्रिजम्प्टिव वर्क बेसिस पे इसको क्रेडिट किया जाता है। तो 6 मंथ में ये 15 डेज हो जाता है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे चले गए हों, डाइज नन पे चले गए हों, तो उस हिसाब से उस सिचुएशन में जितने पीरियड तक गए हों उसका 1/10 जो पार्ट है उसको इस 15 डेज में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, द लीव कैरिड फॉरवर्ड प्लस द क्रेडिट फॉर द हाफ ईयर विल बी लिमिटेड टू 300 डेज। इसको समझते हैं, कोई ऐसे एम्प्लॉय होंगे जिनका 290 डेज EL एक्यूमुलेट हो गया होगा। अब जब नेक्स्ट जनवरी आएगा तो नेक्स्ट जनवरी में उनको 15 डेज क्रेडिट करना है, तो 300 डेज के बाद से 15 डेज क्रेडिट करने पर, 15 डेज ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 305। लेकिन इस रूल के अनुसार मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड 300 डेज ही हो सकता है। अगर उसके बाद भी वो लीव नहीं लेते हैं तो प्लस 15 डेज तो किया जाएगा, बट टोटल 300 ही रहेगा। इसलिए 300 से ऊपर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, 300 से ऊपर अगर बनता है तो आपको लीव लेनी चाहिए। और जैसा कि हमने बताया, एवरी हाफ ईयर में फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ 2.5 डेज EL कैलकुलेशन के अनुसार इन एडवांस 6 मंथ के लिए 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15 दिन EL और 10 डेज HPL क्रेडिट कर दिया जाता है। ये एडवांस में क्रेडिट किया जाता है। तो जो लोग इन बिटवीन ज्वाइन कर लेते हैं, अब कुछ लोग इन बिटवीन जब हम कह रहे हैं तो जनवरी में ना होकर के फरवरी मार्च में ज्वाइन करते हो, जुलाई में ना होकर के अगस्त सितंबर में ज्वाइन करते हो, तो जो लोग, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई फरवरी में ज्वाइन करते हैं, कोई मार्च में ज्वाइन करते हैं, कोई 1 मार्च को अगर ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे फरवरी के लास्ट वीक में ज्वाइन कर लेते हैं, तो 6 मंथ में से 2 मंथ वो नहीं रहे,
सिर्फ 4 मंथ रहे, तो 4 मंथ इंटू 2.5 10 दिन होते हैं, सो 10 दिन उनको क्रेडिट किया जाएगा। सेम सिचुएशन रिटायरमेंट के साथ भी है, सेम सिचुएशन रिमूवल ऑफ डिसमिसल के साथ भी है, बट इसमें क्या है कि जिस मंथ में रिमूवल डिसमिसल हो रहा है उसके प्रीवियस मंथ तक को ही काउंट किया जाएगा, राइट? While affording credit, fraction of a day should be rounded off to the nearest day. So fraction of day के का यहाँ पर हिसाब आ रहा है। जैसे हम example देते हैं, कोई employee 1 February को join कर रहे हैं, तो हिसाब से वो 5 महीने काम कर रहे हैं, तो अगर 5 महीने काम कर रहे हैं तो 5 × 2 = 10 और 2.5 = 12.5, 12.5 डेज उनका EL क्रेडिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 12.5 डेज। सो 12.5 डेज को राउंड ऑफ करेंगे तो या तो 12 डेज होगा और नहीं तो 13 डेज होगा। रूल के अनुसार इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट नियरेस्ट नंबर, राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट नियरेस्ट नंबर। सो वो 12 डेज नहीं होगा, वो 13 डेज होगा। ये MCQ में ऐसा क्वेश्चन आता है। अर्नड लीव कैन बी एक्युमुलेटेड अप टू 300 डेज ओनली, अर्नड लीव कैन बी टेकन अप टू 180 डेज एट ए टाइम। सो 300 दिन आप अर्नड लीव एक्युमुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लीव लेना है तो एट ए टाइम EL, एट ए टाइम EL 180 डेज तक ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी है क्या? हाँ जी, एक्सेप्शन है। अर्नड लीव एक्सीडिंग 180 डेज बट नॉट एक्सीडिंग 300 डेज मे बी ग्रांटेड टू ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स कंटिन्यूसली इफ द एंटायर लीव और एट लीस्ट द अमाउंट ऑफ लीव इन एक्सेस ऑफ 180 डेज इज स्पेंट आउटसाइड इंडिया। सो इस वन मैक्सिमम EL 180 डेज तक ही लिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई ग्रुप ए या ग्रुप बी ऑफिसर आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, लीव पर जाते हैं, तो उनको अप टू 300 डेज एट ए टाइम EL ग्रांट किया जा सकता है। कंडीशन क्या है? या तो एंटायर पीरियड वो फॉरेन में रहे, और नहीं तो 180 डेज के बाद वाला जितना पीरियड है। हम एग्जांपल देते हैं, 200 डेज का EL किसी ने लिया फॉरेन में रहने के लिए, तो या तो 200 डेज तक वो फॉरेन में रहे, और नहीं तो मिनिमम 200 में से 189 कम कर दीजिए, 200 में से 180 कम कर दीजिए, 20 आ गया, तो मिनिमम एटलीस्ट द अमाउंट ऑफ लीव इन एक्सेस ऑफ 180 डेज इज स्पेंट आउटसाइड इंडिया। कम से कम 20 डेज उनको बाहर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 200 डेज का लीव ले लिए और इंडिया में ही रह लिए, 20 डेज उनके लिए भारी पड़ जाएगा। अर्नड लीव मे बी टेकन एट ए टाइम अप टू 300 डेज इन द केस ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। सो पहला रूल ये है कि 180 डेज एट ए टाइम ईयर लिया जा सकता है। दूसरा रूल ये है कि ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर्स अगर फॉरेन में जा रहे हैं तो उनको अप टू 300 डेज तक का लीव दिया जा सकता है। तीसरा रूल क्या है? लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट अगर है तो उनको एट ए टाइम 300 डेज का लीव दिया जा सकता है, राइट? ये सब MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हाफ पे लीव, हाफ पे लीव एडमिसिबल टू टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड स्कूल लाइब्रेरी एंड लैब असिस्टेंट फ्रॉम 1/1/1986। हाफ पे लीव इज क्रेडिटेड इन एडवांस एट द रेट ऑफ 10 डेज ऑन द 1 January एंड 1 July ऑफ एवरी ईयर। सो इससे पहले वाला जो हमने एक MCQ सॉल्व करने वाला क्लास था उसमें हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हमने एक आंसर मांगा था कमेंट बॉक्स में कि जो ये EL है जो एडवांस में 1 January और 1 July को क्रेडिट हो जाता है, ये HPL है जो एडवांस में 1 January और 1 July को क्रेडिट हो जाता है, ये 1972 के रूल में नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया। प्रश्न ये है कि ये कब से ऐड किया गया।
तो हाफ पे लीव का तो यहाँ पर आंसर आपको दिख जाएगा, 1 जनवरी 1986 से हाफ पे लीव एडवांस में क्रेडिट होने लगा। कमेंट बॉक्स में आपको ये मेंशन करना है कि ईएल जिस तरीके से हाफ पे लीव 1/1/1986 से एडवांस में क्रेडिट होने लगा, ईएल किस डेट से क्रेडिट होने लगा एडवांस में। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में, देखते हैं क्या होता है। द क्रेडिट फॉर द हाफ ईयर इन विच एन एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड विल बी एट द रेट ऑफ 5/3 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। सो जैसे हमने ईएल के लिए बताया कि ईएल के लिए कैलकुलेशन जब फ्रैक्शनल कैलकुलेशन करेंगे तो 2.5 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ होता है, 2.5 डेज। उसी तरीके से ये एचपीएल के लिए 5/3 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ के लिए होता है, राइट। द क्रेडिट फॉर द हाफ ईयर इन विच एन एम्प्लॉई इज ड्यू टू रिटायर रिजाइन विल बी अफोर्डेड। सो उसका भी अगर नया ज्वाइन कर रहे हैं और चाहे रिटायर हो रहे हैं, जो भी फ्रैक्शनल कैलकुलेशन होगा वो 5/3 डेज पर कंप्लीटेड मंथ के अनुसार होगा। अगर किसी को रिमूव किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, रिटायर होते हैं, उनका भी कैलकुलेशन इसी 5/3 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ के अनुसार होगा। हाफ पे लीव कैन बी टेकन आइदर विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। नोट कर लीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन है। हाफ पे लीव लेने के लिए मेडिकल लीव जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है। हाफ पे लीव लेने के लिए आप मेडिकल सर्टिफिकेट पर भी ले सकते हैं, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी ले सकते हैं। अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ लेते हैं तो जनरली आप कम्यूटेड लीव लेते हैं, या यूं कहें कि हाफ पे लीव को जब कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट करेंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। द ग्रांट ऑफ हाफ पे लीव टू ए टेम्पररी ऑफिशियल इज सब्जेक्ट टू द सैंक्शनिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई हिमसेल्फ ही विल रिटर्न टू ड्यूटी आफ्टर हिज आफ्टर इट्स एक्सपायरी। सो जो टेम्पररी ऑफिशियल है उनको हाफ पे लीव देते समय ये ध्यान रखना है कि लीव हम उनको हाफ पे लीव तभी दें जब हमें लग रहा हो कि वो लौट के वापस आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि लीव लेकर के 9/2/11 हो गए। दिस कंडीशन इज नॉट अप्लीकेबल वर सच एम्प्लॉय इज डिक्लेयर कंप्लीटली एंड परमानेंट इनकैपेसिटेट फॉर फर्दर सर्विस। सो टेम्पररी ऑफिशियल जो परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड है फॉर फर्दर सर्विसेज, उनके लिए ये रूल लागू नहीं होता। हाफ पे लीव कैन बी कन्वर्टेड इनटू फुल पे लीव बाय टेकिंग इट्स एज कम्यूटेड लीव इफ द लीव अप्लाइड फॉर इज ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। सो हाफ पे लीव को, हाफ पे लीव का मतलब क्या होता है, जितना दिन का, अगर मैंने आज हाफ पे लीव लिया तो इसका मतलब कि मुझे आज हाफ पे लीव हमने ले लिया तो आज एक दिन का हाफ पे लेंगे। एक दिन का हमने एचपीएल लिया तो आधे दिन का पे हमें मिलेगा, आधे दिन का पे नहीं मिलेगा। अगर दो दिन हमने एचपीएल ले लिया तो दो दिन में से एक दिन का पे मिलेगा, एक दिन का पे नहीं मिलेगा। अगर 10 दिन का एचपीएल ले लिए तो 5 दिन का पे मिलेगा, 5 दिन का पे नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको हाफ पे लीव कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो छुट्टी पर भी रहूं और मुझे सैलरी कम नहीं होनी चाहिए, मुझे फुल पे सैलरी मिलनी चाहिए, तब क्या करेंगे, जितना हाफ पे लीव आपके पास है उसका आधा आप कम्यूटेड लीव ले लीजिए। जैसे अगर आपके अकाउंट में 10 दिन का एचपीएल है तो अगर 10 दिन का एचपीएल लेंगे तो 5 दिन की सैलरी मिलेगी, 5 दिन की नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि पूरे समय का सैलरी मिले तो उस 10 दिन का हाफ पे लीव के बदले में 5 दिन का कम्यूटेड लीव ले लीजिए। अब्सेंट कितने दिन हुए? 5 दिन हुए। कम्यूटेड लीव कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए लिए। तो इसलिए इसमें आपको 5 दिन का लीव सैलरी मिलता है, फुल सैलरी मिलता है। बस कंडीशन ये है कि कम्यूटेड लीव जो है मेडिकल सर्टिफिकेट पर मिलता है। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो जनरली कम्यूटेड लीव नहीं मिलता। मैक्सिमम ऑफ 180 डेज फॉर एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी सर्टिफाइड टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई
अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी है उसके लिए 180 डेज तक मैक्सिमम हाफ पे लीव ग्रांट किया जा सकता है, राइट? मैक्सिमम ऑफ 120 डेज मे बी टेकन एज कमिटेड लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट इन कंटिन्यूएशन ऑफ मेटर्निटी लीव। सो क्या है, 180 डेज तक अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी के लिए लिया जा सकता है, 120 डेज तक इन कंटिन्यूएशन ऑफ मेटर्निटी लीव लिया जा सकता है, नॉट एक्सीडिंग हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ HPL ड्यू कैन बी टेकन ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। सो जितना भी आपका HPL ड्यू है उसके हाफ के बराबर, अगर आपके पास 20 HPL है तो उसका हाफ कितना होगा, 10 होगा। सो 10 डेज तक का आप कमिटेड लीव मेडिकल सर्टिफिकेट पर ले सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ 90 डेज फॉर एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी एंड 60 डेज कैन बी ग्रांटेड टू ए फीमेल एम्प्लॉय इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव। देखिए इधर का जो स्टेटमेंट था उसको इधर कंप्लीट किया गया है, 180 डेज हाफ पे लीव स्टडी के लिए, 120 डेज हाफ पे लीव इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव है, तो 180 डेज का हाफ कितना होगा, 90 डेज, तो 90 डेज कमिटेड हो जाएगा। 160 का हाफ कितना होगा, 120 का हाफ कितना होगा, 60 होगा, तो 60 डेज कमिटेड होगा। वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया कि 90 डेज अप्रूव्ड कोर्स ऑफ कमिटेड लीव दिया जा सकता है और 60 डेज इन कंटिन्यूएशन ऑफ मेटर्निटी लीव दिया जा सकता है। सो या तो इसके डबल का आप HPL ले लीजिए, इसके डबल का HPL ले लीजिए, और नहीं तो HPL के हाफ कमिटेड लीव ले लीजिए, HPL का हाफ कमिटेड लीव ले लीजिए। कैन नॉट बी ग्रांटेड एज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। सो कमिटेड लीव जो है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट में नहीं दिया जाता है। इफ़ कमिटेड लीव इज टेकन ट्वाइस द नंबर ऑफ डेज अवेल्ड शुड बी डेबिटेड। सो कमिटेड लीव जब भी लेंगे तो उसका डबल, अगर 10 दिन का कमिटेड लीव लेते हैं तो 20 HPL हमारे लीव से डेबिट हो जाता है। एन एम्प्लॉय ग्रांटेड कमिटेड लीव क्विट्स सर्विस वॉलंटरली विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी, द कमिटेड लीव शैल बी ट्रीटेड एज HPL एंड द एक्सेस लीव सैलरी रिकवर्ड। सो ऐसे भी स्मार्ट लोग हो सकते हैं जो कमिटेड लीव लेकर के और घर से जा करके रिजाइन मार दिए, तो वैसे में क्या करेंगे, उनके कमिटेड लीव को हम HPL में कन्वर्ट कर देंगे और जो एक्सेस लीव सैलरी उनको दिया गया उसको हम रिकवर करेंगे। रिकवरी कब नहीं होगी ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ये रिकवर करना रूल है। बट अगर ill हेल्थ इनकैपेसिटिंग के चलते होता है, डेथ के चलते होता है, तो ऐसे में रिकवरी नहीं करेंगे। कमिटेड लीव का हिसाब ऐसा है कि कई जगहों पे ये मिसकंसेप्शन है कि अगर आपके पास EL है तो हम आपको कमिटेड लीव नहीं देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। चॉइस ऑफ टाइप ऑफ लीव डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट सर्वेंट। कौन सा टाइप का लीव लेना है ये गवर्नमेंट सर्वेंट की चॉइस है, उसको सैंक्शनिंग अथॉरिटी चेंज करने के लिए कंपेल नहीं कर सकती। ग्रांट करना, रिफ्यूज करना, रिकॉल करना, ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास पावर है। लीव के नेचर को चेंज करना ये उनके पास पावर नहीं है, और इसलिए वो किसी को ये फोर्स नहीं कर सकते कि आपके पास अर्नड लीव है, पहले आप अर्नड लीव ख़त्म करो तब कमिटेड लीव मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकते। एम्प्लॉय की इच्छा पर है कि वो कमिटेड लीव लेते हैं या अर्नड लीव लेते हैं। द अमाउंट ऑफ यह है लीव नॉट ड्यू, ये भी HPL के अगेंस्ट में ही होता है। द अमाउंट ऑफ लीव शुड बी लिमिटेड टू द हाफ पे लीव दैट द एम्प्लॉय इज लाइकली टू अर्न सब्सिक्वेंटली। सो अगर HPL आपके क्रेडिट में है तो आप HPL लेंगे, HPL आपके क्रेडिट में नहीं है और फिर भी HPL लेने की जरूरत पड़ गई तो जो आप सब्सिक्वेंटली HPL अर्न करने वाले हैं, क्रेडिट होने वाला है, उसके अगेंस्ट में उतने दिन तक के लिए लीव नॉट ड्यू ले सकते हैं। तो लीव नॉट ड्यू हम जो भी लेंगे वो अगेंस्ट द
प्रोस्पेक्टिव एचपीएल अकाउंट पे हम लेंगे। रूल क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ 360 दिन तक का लीव नॉट ड्यू मिल सकता है, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट 180 डेज तक का, एंड मैक्सिमम पीरियड दैट कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम इज 90 डेज। सो एट ए टाइम 90 डेज से ज्यादा एलएनडी नहीं दिया जा सकता, एट ए टाइम 90 डेज से ज्यादा एलएनडी नहीं दिया जा सकता। इन द इंटायर सर्विस 180 डेज विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, 360 डेज विद मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर टेम्पररी एम्प्लॉय ग्रांटेड ओनली इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम टीबी लेप्रोसी। सो जो टेम्पररी एम्प्लॉय हैं जनरली उनको एलएनडी नहीं दिया जाता एक्सेप्ट इन दिस सर्कमस्टेंसेस। लीव नॉट ड्यू विल बी डेबिटेड अगेंस्ट द एचपीएल दैट एन एम्प्लॉय मी अर्न सब्सिक्वेंटली। ठीक है, when an employee granted leave not due resigns retire voluntarily from service the leave not due should be cancelled। ठीक है, the resignation or retirement will take effect। तो अगर कुछ ऐसे स्मार्ट एम्प्लॉय हैं जो लीव नॉट ड्यू ले लिए, तो लीव नॉट ड्यू जो लिए हैं वो जब आप एच पी एल अर्न करेंगे तो वो उस समय वो एच पी एल में से उसको डेबिट कर दिया जाएगा सब्सिक्वेंटली लेटर ऑन। कुछ लोग ऐसे होंगे जो एलएनडी लेकर के चले गए और रिजाइन कर दिए, तो इसमें क्या होगा, एलएनडी कैंसिल कर दिया जाएगा। लीव नॉट ड्यू लेकर के गए और उसको एंजॉय किए और बाद में घर से रेजिग्नेशन लेटर भेज दिए, तो ऐसे में उनका लीव नॉट ड्यू कैंसिल कर दिया जाएगा और उनका जो रेजिग्नेशन होगा रिटायरमेंट होगा वो उस दिन से इफेक्टिव माना जाएगा जिस दिन से उनका एलएनडी शुरू हो रहा था, और उसी के अनुसार उनकी लीव सैलरी रिकवर भी की जाएगी। वेयर एन एम्प्लॉई हु हैविंग availed himself of leave not due returns to duty but resigns or retires from service before he has earned such leave, he shall be liable to refund the leave salary to the extent। कुछ ऐसे भी employee हो सकते हैं जो LND लिए, लेने के बाद से avail करने के बाद से दोबारा duty join किए और join करने के बाद से भी उनकी condition ठीक नहीं है कि वो continue कर सके, so ऐसे में वो क्या करेंगे, resign करेंगे नहीं तो retire करेंगे। सो रिजाइन रिटायर करेंगे तो उसमें जितने पीरियड तक का एच पी एल उनका अर्न नहीं होता है उतने दिन का उनका रिकवरी ले लिया जाएगा। लीव सैलरी विल नॉट बी रिकवर्ड इफ द रिटायरमेंट इज बाय रीजन ऑफ इल हेल्थ इनकैपेसिटी और डेथ। ठीक है, रिकवरी इन तीन कंडीशन में नहीं करते हैं लीव वाली रिकवरी। उसके बाद से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये भी कोई लीव है क्या, टू बी प्रैक्टिकल ये कोई लीव नहीं है, ये कोई लीव का वैरायटी भी नहीं है, बट हाँ अगर आपके क्रेडिट में कुछ भी नहीं बचा है तो अब्सेंट होने से अच्छा है कि परमिशन दे करके और गायब हो जाइए, और उस परमिशन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव हम मानते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मे बी ग्रांटेड टू संगठन एम्प्लॉय इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल। अगर कोई लीव ही नहीं बचा है और ज़रूरत है अब्सेंट होने की तो क्या करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव देंगे। वेन अदर लीव इज एडमिसिबल, पहला कंडीशन ये है कि कोई लीव ही नहीं बचा है तो ई एल देंगे, और दूसरा कंडीशन ये है कि लीव तो है बट एम्प्लॉई चाहते हैं कि वो ई ओ एल पर ही जाए, दे दो भाई। नोटिस पीरियड में ईओएल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव नहीं दिया जाता। एनी अमाउंट ऑफ ईओएल मे बी सैंक्शन टू ए परमानेंट एम्प्लॉय एज लॉन्ग एज ही कंटिन्यूअस स्पेल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लीव डज नॉट एक्सीड 5 years। सो ईओएल भी आपको दिया जाएगा, बट ईओएल लेने का मतलब ये नहीं होता कि जो एक मैक्सिमम लीव पीरियड ऑफ 5 years एट ए स्ट्रेच है उसको आप बाहर निकलें, नहीं, ये उसी रूल में आएगा, उतने भीतर में ही लेना है। ऑल एम्प्लॉयज अप टू 3 months विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। सो 6 months तक बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ग्रांट किया जा सकता है। अप टू 6 months विद मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉमन एलमेंट, अप टू 18 months विद मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर कैंसर मेंटल इलनेस
पल्मरी ट्यूबरक्लोसिस, प्लूरिसिक ट्यूबरक्लोसिस, ये सब स्पेशल डिजीज में 3 मंथ तक विद मेडिकल सर्टिफिकेट और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट दोनों चलेगा। 6 मंथ तक पक्का मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर कॉमन इलनेस, 18 मंथ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर दिस स्पेसिफिक डिजीज, इन पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मिल सकता है। कंप्लीटेड 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस अप टू 24 मंथ्स द लीव इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूटिंग स्टडीज सर्टिफाइड टू बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन के लिए भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मिलता है, किस लिए, वो स्पेशल प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। 2 स्पेल्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव इंटरवेंड बाई एनी अदर काइंड ऑफ लीव शुड बी ट्रीटेड एज 1 कंटिन्यूस स्पेल फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग द मैक्सिमम लिमिट। सो 2 स्पेल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव इंटरवेंड बाई एनी अदर काइंड ऑफ लीव। सो क्या हुआ, पहले हमने 60 डेज, पहले हमने 50 डेज का EOL ले लिया, फिर 10 डेज का EL ले लिए, फिर से 50 डेज का हमने EOL ले लिया। सो 2 स्पेल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव इंटरवेंड बाय एनी अदर काइंड ऑफ लीव शैल बी ट्रीटेड एज 1 कंटिन्यूस स्पेल फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग द मैक्सिमम लिमिट दैट इज 5 ईयर्स। EOL may also be granted to regularize period of absence without leave retrospectively। ये देखा गया है, ये देखा गया है कि employee किसी कारण से absent हो गए, उनके पास लीव बचा ही नहीं है रेगुलराइज करने के लिए, तो ऐसे में कंपिटेंट अथॉरिटी जो है उनको EOL दे करके और उनका absence रेगुलराइज करती है। लीव सैलरी अब देखते हैं, ड्यूरिंग अर्नड लीव कितना मिलेगा, लीव सैलरी इक्वल टू पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रीसीडिंग ऑन लीव। सो जब अर्नड लीव लेते हैं तो अर्नड लीव लेने से शुरू होने से जस्ट पहले, अर्नड लीव स्टार्ट होने से जस्ट पहले वाले मंथ में जो लीव जो सैलरी मिलती थी वही सैलरी EL पर भी मिलती रहेगी। ड्यूरिंग हाफ पे लीव इक्वल टू हाफ द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी ऑन अर्नड लीव, तो जैसा अर्नड लीव का जो रूल है उसका 50% जो है वो हाफ पे लीव में मिलेगा। कम्यूटेड लीव में क्या है, जो अर्नड लीव का जो रूल है वही कम्यूटेड लीव का रूल हो गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव का है नो इंटाइटल फॉर एनी लीव सैलरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जो है सिर्फ रेगुलराइजेशन के लिए मिलता है, इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पीरियड में आपको किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं मिलती है। पे मीन्स पे एज डिफाइंड इन FR 921 एंड इंक्लूड्स डेपुटेशन अलाउंसेस। सो FRSR का जो रूल 9 है वो विभिन्न प्रकार के टर्म को डिफाइन करता है, मेटरनिटी लीव, मातृत्व छुट्टी, मातृत्व अवकाश, मातृत्व छुट्टी, इट मे बी ग्रांटेड टू फीमेल एम्प्लॉय विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन एज अंडर प्रेगनेंसी 180 डेज। सो उन सारी वर्किंग माताओं को जिनके पास 2 से कम सर्वाइविंग चिल्ड्रेन है, मैक्सिमम 2 की बात हो रही है, सो मैक्सिमम 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन के लिए प्रेगनेंसी पीरियड में 180 डेज तक का, मतलब 6 मंथ का मेटर्निटी लीव मिलने का प्रोविजन है। अगर मिसकैरेज एबॉर्शन हो जाता है तो ऐसे केस में टोटल 45 डेज इन द इंटायर सर्विस एक्सक्लूडिंग एनी सच लीव टेकन प्रायर टू 16/6/94, ठीक है। सो टोटल 45 डेज का लीव इंटायर सर्विस में मिसकैरेज और एबॉर्शन के लिए मिलते हैं। The leave is not debited to the leave account. It is granted on full pay. So maternity leave का payment क्या होता है, full pay होता है। Any leave included commuted leave may be taken in continuation of maternity up to a period of maximum 60 days without production of a medical certificate. So maternity leave 180 days की होती है।
किसी किसी माता के पास कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं या कुछ और भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो ऐसे में इस मेटरनिटी लीव के साथ 60 डेज का कम्यूटेड लीव भी कंटिन्यू किया जा सकता है। आपको पता है कम्यूटेड लीव के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन माताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेटर्निटी लीव के कंटिन्यूटी में जो कम्यूटेड लीव लिया जाता है अप टू 60 डेज, उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनी लीव इंक्लूडिंग कम्यूटेड लीव मे बी टेकन इन कंटिन्यूएशन ऑफ मेटर्निटी लीव अप टू मैक्सिमम 60 डेज विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनी मेडिकल सर्टिफिकेट। Not withstanding the requirement of production of medical certificate, leave of the kind due and admissible. So ये certificate के बारे में है। It counts as a service of maternity benefit. Maternity leave जो है इसके कुछ अलग से peculiar condition है, क्या है features है। It counts as service for increment. So अगर maternity leave पे हैं और उसी बीच में increment आता है आपको मिलता रहेगा। It counts as service for pension. मेटर्निटी लीव में जितने दिन भी रहे हैं वो पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी बनाता है। इट इज़ नॉट एडमिसिबल फॉर 310 अबोव, सो मेटर्निटी लीव इज नॉट एडमिसिबल फॉर 310 अबोर्शन। नेक्स्ट पेटर्निटी लीव, हाँ जी पितृत्व अवकाश भी मिलता है। इट इज एडमिसिबल टू मेल एम्प्लॉय विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, इट इज नॉट टू बी रिफ्यूज्ड नॉर्मली। सो ऐसे पिता को मिलता है ये जो जिनके पास 2 या 2 से कम बच्चे हों। इट मे बी ग्रांटेड अप टू 15 डेज ड्यूरिंग वाइफ्स कन्फाइनमेंट। सो गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ जो है अंडर कन्फाइनमेंट है जिस समय बच्चे का जन्म देना होता है, सो अंडर कन्फाइनमेंट मीन्स 15 दिन पहले से लेकर के और अप टू 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के जन्म के 15 दिन पहले से लेकर के और 6 महीने तक, इस बीच में कभी भी 15 दिन का ये लीव ले सकते हैं, उसको पेटर्निटी लीव कहते हैं। इट मे बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव, अगर ज़रूरत पड़े तो इस 15 डेज के साथ ये लोग अभी ऐड करके और आगे बढ़ाया जा सकता है। लीव सैलरी शैल बी इक्वल टू द लास्ट पे ड्रॉप। स्टडी लीव, इट मे बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय विद नॉट लेस देन 5 years सर्विस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टडी लीव लेने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि 5 years की सर्विसेज आपके पास होनी ही चाहिए। अगर 5 years से कम सर्विसेज हैं तो स्टडी लीव के लिए एलिजिबिलिटी नहीं बनती। और स्टडी लीव तभी मिलेगी जब कंपिटेंट अथॉरिटी ने उसको ग्रांट किया हो। सबके पास स्टडी लीव ग्रांट करने का पावर नहीं होता है। कब नहीं मिलेगा स्टडी लीव? अगर वो कोर्स इंडिया में है, आप जो कोर्स करना चाहते हैं, आप एमबीए करना चाहते हैं, एमबीए इंडिया में पढ़ाई जाती है, आप चाहते हैं कि आप यूके में जाकर के पढ़ें, स्टडी लीव तो नहीं मिलेगा साहब। अगर यूके में पढ़ना है तो ऐसा कोर्स ढूंढिए जो इंडिया में नहीं पढ़ाया जाता है, तब आप यूके में जा सकते हैं पढ़ने के लिए स्टडी लीव लेकर के। अदरवाइज इंडिया में ही पढ़ना है स्टडी लीव लेकर के। टू एन ऑफिशियल हु इज ड्यू और हैज द ऑप्शन टू रिटायर विद इन 3 years, जो एम्प्लॉई जो गवर्नमेंट सर्वेंट स्टडी लीव कंप्लीट होने के बाद 3 साल के भीतर रिटायर होने वाले हैं, उनको भी स्टडी लीव नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टडी लीव से जो भी स्टडी करके आए हैं, जो भी सीख के आए हैं, वो डिपार्टमेंट के काम ही नहीं आएगा। टू सेम ऑफिशियल विद सम फ्रीक्वेंसी एज टू रिमूव फ्रॉम हिम कंटेक्ट विद हिज रेगुलर वर्क और कॉज कैडर डिफिकल्टीज ओइंग टू हिज अब्सेंस ऑन लीव। द मैक्सिमम पीरियड इज 24 months इन द इंटायर सर्विस। सो पूरे सर्विस में 24 महीने तक का आपको स्टडी लीव मिल सकता है। इट्स
एक्सक्लूडिंग एक्सटर्नल वी शुड नॉट एक्सीड। सो इसमें क्या है, 24 मंथ का आपको स्टडी लीव मिल सकता है और बाकी कुछ और लीव को कंबाइंड करके मैक्सिमम 28 मंथ का ये हो सकता है, ये भी डेबिट नहीं होता है। इफ द कोर्स फॉल्स शॉर्ट ऑफ, अगर ऐसा हुआ कि आपने 28 महीने तक का, आपने 24 महीने तक का स्टडी लीव लिया, 30 महीने तक की आपकी कोर्स है, तो बाकी 6 महीने के लिए, तो बाकी 6 महीने के लिए आप कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए और जो एक्सेस पीरियड आप रहे हैं उस पीरियड के लिए आप ऑर्डिनरी लीव, फॉर एग्जांपल ये लाभ अप्लाई कर सकते हैं। रिक्विजिट बॉन्ड्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द ऑफिशियल, बॉन्ड क्या देना है, 3 साल के भीतर हम छोड़ करके नहीं भागेंगे। लीव सैलरी में आ जाते हैं, किस लीव सैलरी की, ड्यूरिंग द स्टडी लीव। तो जैसा कि हमने इससे पहले देखा कि स्टडी लीव दो तरह की हो सकती है, स्टडी लीव आउट ऑफ द इंडिया, आउटसाइड द इंडिया, एंड स्टडी लीव इनसाइड द इंडिया। तो अगर आउटसाइड इंडिया है तो पे लास्ट ड्रॉन प्लस डीए प्लस एचआर एंड स्टडी अलाउंस, इतने चीज इनको मिलेंगे अगर आउटसाइड इंडिया जाते हैं। अगर इनसाइड इंडिया ही है तो लीव सैलरी विल बी इक्वल टू लास्ट पे ड्रॉन प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस स्कॉलरशिप, ये सब आपको इनसाइड इंडिया में मिलेगा। एचआरए इज पेएबल फॉर द फर्स्ट 180 डेज एट द रेट एप्लीकेबल एट द लास्ट प्लेस ऑफ ड्यूटी, कंटिन्यूएंस बियॉन्ड 180 डेज विल बी सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब सर्टिफिकेट फॉर द ड्रॉन। सो 180 डेज, 6 मंथ तक का एचआरए तो आपको एज इट इज जहाँ से आप स्टडी लीव में गए हैं वहाँ का आपको 6 मंथ तक का मिलेगा। 6 मंथ अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपका प्रेजेंट रेसिडेंस कहाँ है, उसके अनुसार आपको एचआरए दिया जाएगा। अगर लीव स्टडी लीव ले करके अवेल करके आपने स्टडी करके आ गए और 3 ईयर के भीतर रिटायर हो जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी लीव पीरियड का जो सैलरी है उसको रिफंड करना पड़ेगा। इसको ध्यान में रखना है। केसुअल लीव इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो केजुअल लीव जो है रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव नहीं है और इसीलिए ये किसी भी नियम से रेगुलेट नहीं होता है। एन ऑफिशियल ऑन कैजुअल लीव इज नॉट ट्रीटेड एज अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी एंड हिज पे इज नॉट इंटरमिटेड। सो कैजुअल लीव चूंकि रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव नहीं है इसलिए कैजुअल लीव में रह रहे गवर्नमेंट सर्वेंट को हम अब्सेंट भी डिक्लेयर नहीं करते, उनको ड्यूटी पर ही मानते हैं। केजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद स्पेशल केजुअल लीव बट नॉट विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव। सो केजुअल लीव स्पेशल केजुअल लीव के साथ कंबाइंड की जा सकती है। इट कैन नॉट बी कंबाइंड विद ज्वाइनिंग टाइम, ज्वाइनिंग टाइम के साथ केजुअल लीव कंबाइंड नहीं होता। संडेज एंड हॉलीडेज फॉलिंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ केजुअल लीव आर नॉट काउंटेड एज पार्ट ऑफ केजुअल लीव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केजुअल लीव का नेचर ऐसा है कि केजुअल लीव का जो कंटिन्यूस पीरियड है उस पीरियड में अगर बीच में कोई सैटरडे आ गया, कोई संडे आ गया, कोई क्लोज हॉलीडे आ गया तो वो एक्सक्लूड हो जाता है, इंक्लूड नहीं होगा। हम आपको एग्जांपल देते हैं, अगर फ्राइडे से आप थर्सडे के बाद, फ्राइडे से अगर आप ईएल लेंगे फ्राइडे से मंडे तक का, तो फ्राइडे 1, सैटरडे 2, संडे 3, मंडे 4, ये 4 दिन का ईएल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीएल लेते हैं तो सैटरडे संडे अपने आप एक्सक्लूड हो जाता है, सिर्फ आपको फ्राइडे एंड मंडे 2 दिन का ही अप्लाई करना पड़ेगा। सो केजुअल लीव जो है कभी कभी बड़े काम का चीज़ है, इसको प्लान करके लिया जाए। तो संडेज पब्लिक हॉलीडेज रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज वीकली ऑफ कैन बी प्रीफिक्स सफिक्स टू केजुअल लीव। Casual leave can be taken while on tour, but no daily allowances will be admissible for the period. So, अगर कहीं आप टूर पर गए हैं तो वहाँ पर casual leave तो आप ले सकते हैं लेकिन उस पीरियड का आपको DA नहीं मिलेगा। Casual leave can be taken for half day also. आपको पता ही है casual leave जो है हाफ डे भी लिया जा सकता है। हाफ डे क्या होता है,
मॉर्निंग में जब हम ड्यूटी के लिए आते हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में एक लंच ब्रेक होता है। सो मॉर्निंग आवर जो होता है वो जब ड्यूटी शुरू होती है वहाँ से लेकर के टिल लंच ब्रेक है, और आफ्टरनून क्या होता है, लंच ब्रेक से लेकर के और टिल एंड ऑफ द ड्यूटी आवर होता है। सो इसमें हाफ डे का भी लीव लेने का प्रोविजन होता है। रूल के अनुसार कैजुअल लीव जो होता है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इसलिए जनरली ये 5 दिन से ज़्यादा एट ए टाइम इसको ग्रांट नहीं करनी चाहिए। कैजुअल लीव को एट ए टाइम 5 दिन से ज़्यादा ग्रांट नहीं करनी चाहिए, जनरली है ये। कंपिटेंट अथॉरिटी चाहे इससे ज़्यादा इन इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस ग्रांट कर सकती है। LTC कैन बी अवेल ड्यूरिंग कैजुअल लीव, यस LTC कैजुअल लीव के दौरान अवेल की जा सकती है। इंटाइटलमेंट पर कैलेंडर इज 8 डेज, आपको पता ही है 8 दिन ही साल में कैजुअल लीव हमें मिलते हैं। अगर कोई ऑफिशियल जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं मिडिल ऑफ द ईयर तो या तो उनको प्रोपोर्शनेटली हम दे सकते हैं लीव, और नहीं तो फुल भी दे सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। स्पेशल कैजुअल लीव, अब कैजुअल लीव के साथ क्या कंबाइंड हो सकता है, स्पेशल कैजुअल लीव कंबाइंड हो सकता है। सो स्पेशल कैजुअल लीव मे बी ग्रांटेड ऑन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस: स्पोर्ट्स इवेंट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, यूनियन एसोसिएशन एक्टिविटीज, नेचुरल कैलेमिटी, मीटिंग कनेक्टेड विद कोऑपरेटिव सोसाइटी, ड्यूरिंग इलेक्शन, डिफरेंटली एबल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये सब इनके ग्राउंड है। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग के लिए भी स्पेशल कैजुअल लीव का प्रोविजन है। फैमिली प्लानिंग में 2 चीज़ें ध्यान में रखना है, जो एम्प्लॉई लीव लेने जा रहे हैं वो मेल हैं कि फीमेल हैं। दूसरा चीज़ क्या ध्यान में रखना है, जो एम्प्लॉई हैं उनका फैमिली प्लानिंग हो रहा है या उनके स्पाउस का हो रहा है। अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई मेल चाहे फीमेल है, अगर उनका स्टरलाइजेशन हो रहा है, अगर उनका स्टरलाइजेशन अप्लेशन हो रहा है, उनका फैमिली प्लानिंग हो रही है, तो उनको ज़्यादा लीव मिलेगा, उनके स्पाउस को कम मिलेगा। और अगर उनके स्पाउस का फैमिली प्लानिंग हो रहा है, स्टरलाइजेशन ऑपरेशन हो रहा है, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको भी कम मिलेगा। कैसे देख लीजिए, अगर मेल एम्प्लॉई है, मेल एम्प्लॉई का वैसेक्टोमी होता है, कॉमन टर्मिनोलॉजी है, वैसेक्टोमी वी से है। वैसेक्टोमी जो होता है मेल का होता है, ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो फीमेल का होता है। तो अगर कोई मेल एम्प्लॉई वैसेक्टोमी ऑपरेशन करवाते हैं तो उनको 5 वर्किंग डेज का लीव मिलता है। ये नोट कीजिए, 5 डेज नहीं है, 5 वर्किंग डेज का स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है। सो इसमें वही रूल लागू हो जाएगा जो कैजुअल के लिए हो रहा था, सैटरडे संडे एक्सक्लूडेड, हॉलीडेज एक्सक्लूडेड। सेकेंड टाइम अगर होता है, फर्स्ट टाइम वाला फेलर हो गया, सेकेंड टाइम होता है तो सेकेंड टाइम 6 डेज का मिलता है, अनदर 6 डेज। रीकैनलाइजेशन के लिए मैक्सिमम 21 डेज मिल सकता है, मैक्सिमम ऑफ 3 डेज इफ हिज वाइफ अंडरगोज ट्यूबेक्टोमी। सो यहाँ पर तो सेल्फ के लिए था, 1, 2, 3 जो था वो मेल एम्प्लॉय के सेल्फ ऑपरेशन के लिए था, लेकिन अगर मेल एम्प्लॉय की वाइफ जाती है ट्यूबेक्टोमी कराती है तो वैसे में मेल एम्प्लॉय को 3 डेज का, 3 वर्किंग डेज का स्पेशल कैजुअली मिलता है। फीमेल एम्प्लॉय का क्या होगा, तो मैक्सिमम ऑफ 10 डेज एडमिसिबल फॉर ट्यूबेक्टोमी। सो यहाँ पर आपने देखा वैसेक्टोमी के लिए 5 डेज है, ट्यूबेक्टोमी के लिए 10 डेज है, सेकेंड टाइम के लिए भी 10 डेज है। मिनिमम ऑफ 10 डेज एडमिसिबल फॉर सेल्फ इंजेक्टोमी ऑपरेशन आफ्टर MTP, एडमिसिबल ऑन द डे ऑफ IUCD, मैक्सिमम ऑफ 21 डेज एडमिसिबल अंडरगोइंग रीकैनलाइजेशन। सो फीमेल एम्प्लॉय का भी रीकैनलाइजेशन होगा तो 21 डेज है, और मेल का भी 21 डेज है, राइट। टू वुमेन एम्प्लॉय फॉर 1 डे ऑन द डे, अगर हस्बैंड का वैसेक्टोमी होता है
तो वीमेन एम्प्लॉय अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनको वन डे का लीव मिलेगा, चाइल्ड केयर लीव जिसको CCL के नाम से जानते हैं। CCL 730 डेज तक, 730 का मतलब टू ईयर्स टू चिल्ड्रेन, अप टू टी चिल्ड्रेन है ये, वन चिल्ड्रेन चाइल्ड भी हो सकता है और टू चिल्ड्रेन भी हो सकता है। तो वेदर आपके पास वन चाइल्ड हो और टू चिल्ड्रेन हो, आपको फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 730 डेज का चाइल्ड केयर लीव मिलने का प्रोविजन है फॉर रियरिंग और टू, किसके लिए, बच्चे के लालन पालन पोषण एग्जाम बीमारी सब देखभाल करने के लिए। नॉट बी एडमिसिबल इफ द चाइल्ड से, अगर 18 साल का बच्चा हो गया, ये कब तक के लिए है, अप टू 18 ईयर्स ऑफ द चाइल्ड एज है, अगर 18 साल का बच्चा हो गया तो आपका लीव अपने आप लैप्स कर जाएगा। लीव सैलरी इक्वल टू द पे ड्रॉन इमिडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। 180 डेज तो मैटरनिटी लीव होता है, मैटरनिटी लीव 180 डेज को अवेल करने के बाद से 730 डेज चाइल्ड केयर लीव भी अवेल किया जाता है जरूरत के अनुसार। इट मे बी अवेल्ड इफ ऑफ इफ मोर देन वन स्पेल, सो एक बार से ज़्यादा में भी इसको लिया जा सकता है, दो तीन बार में भी लिया जा सकता है। चाइल्ड केयर शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट, होता ही नहीं है ये। चाइल्ड केयर लीव मे ऑल्सो बी अलाउड फॉर द थर्ड ईयर एज लीव नॉट ड्यू, सो टू ईयर का तो यही हो गया, उसके ज़्यादा चाहिए तो उसको भी अलाउड किया जा सकता है। किस तरीके में, लीव नॉट ड्यू एंड कमिटेड लीव के रूप में अप टू 60 डेज ऑन प्रोडक्शन ऑफ विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। इट मे बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल, चाइल्ड केयर लीव के साथ कोई भी लीव कंबाइन किया जा सकता है। कैन बी अवेल्ड इफ देयर इज अर्नड लीव और नॉट एट क्रेडिट, सो ऐसा नहीं है कि अर्नड लीव अगर क्रेडिट पे है तो आपको पहले अर्नड लीव अवेल करना है फिर CCL लेना, ऐसा नहीं है। आप वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर डिपेंड करता है कि उनको CCL लेना है कि EL लेना है, बस ध्यान यही रखना है कि इट रिक्वायर्स प्रायर सैंक्शन। इंटरवेनिंग हॉलीडेज विल काउंट एज चाइल्ड केयर लीव, सो कैजुअल लीव की तरह इसका रूल नहीं चलता, EL की तरफ रूल तो चलता है। ध्यान क्या रखना है, ये आपका जो चाइल्ड केयर लीव है ये बच्चे के 18 साल अटेन होने तक ही है, उसके बाद नहीं है। लेकिन इनकेस अगर बच्चा डिसेबल्ड हो गया, मेंटली चैलेंज्ड हो गया, ऐसे में चाइल्ड केयर लीव कैन बी टेकन अप टू 22 ईयर्स टू बी अवेल्ड फॉर नॉट लेस देन 15 डेज इन वन स्पेल। सो आप एट ए टाइम 15 दिन से कम छुट्टी नहीं ले सकते। दूसरा क्या है, कैन बी टेकन 3 times इन ए ईयर, एक वर्ष में 3 बार से ज़्यादा नहीं ले सकते, 15 दिन से कम नहीं ले सकते, 3 बार से ज़्यादा नहीं ले सकते। इन केस प्रोसीडिंग ऑन चाइल्ड केयर लीव फॉर मोर देन 90 डेज द पोस्ट विल बी ट्रीटेड एज वैकेंट। ये आपका MCQ का क्वेश्चन बनता है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन बनता है। अगर चाइल्ड केयर लीव पर मोर देन 90 डेज एट ए स्टेज चले गए तो पोस्ट विल बी ट्रीटेड एज वैकेंट। लीव टू फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, सो एडॉप्शन पर भी लीव मिलता है। ऑन वैलिड एडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 180 डेज इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ वैलिड एडॉप्शन फ्रॉम 22 जुलाई 2009। सो 22 जुलाई 2009 से एडॉप्शन लीव भी दिया गया है, कितने दिन के लिए, 180 डेज के लिए। मैटरनिटी लीव कितने दिन के लिए है, 180 डेज के लिए है। एडॉप्शन लीव कितने दिन के लिए, 180 डेज के लिए है। बस कंडीशन क्या है, बच्चा जो हो वो उसका एज लेस देन 1 ईयर होना चाहिए, बच्चे का एज लेस देन 1 ईयर होना चाहिए तो 6 मंथ का एडॉप्शन लीव मिल जाता है। लीव सैलरी वही होगा जो उससे पहले का पे में हुआ था, इसको भी किसी लीव के साथ कंबाइंड किया जा सकता है। लीव नॉट डेबिटेड अगेंस्ट एनी लीव काउंटेड, तो इस तरीके से हमने इन शॉर्ट
सीसीएस लीव रूल के जितने भी प्रोविजन थे उनको हमने यहाँ पर एक एक करके उनका रिवीजन किया, संक्षिप्त ही सही बट विस्तार से उनका हमने रिवीजन किया। पर्पस यही है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले इसको एक बार आप देख लें, आपकी मेमोरी ताजी हो जाएगी, काम आसान हो जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में याद आ जाएगा। आज का नीति श्लोक, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बु फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अर्थात हे गज के मुख वाले, भूत गणों के द्वारा सेवा किए जाने वाले, जामुन को चाव से ग्रहण करने वाले जो माता उमा के पुत्र हैं, आप समस्त दुखों को समाप्त करते हैं, मैं विघ्न को दूर करने वाले श्री गणेश जी को जिनके चरण कमल के समान है नमन करता हूं। सो ये गणेश देवता की स्तुति है। गणेश देवता की स्तुति में कहा जाता है कि हाथी के मुख वाले, उनका जो मुख है वो हाथी का है ना, गजानन मतलब हाथी का मुख होता है। भूत गणादि सेवितम, भूत गणों के द्वारा सेवा किए जाने वाले, कपित जंबू जो होता है, एक कपित होता है और जंबू जामुन होता है, को चाव से ग्रहण करने वाले, उमा सुतम जो उमा माता उमा के पुत्र हैं, आप समस्त शोक दुखों को समाप्त करते हैं, मैं विघ्न को दूर करने वाले श्री गणेश जी को जिनके चरण कमल के समान है नमन करता हूं। भगवान श्री गणेश हम सबको सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की अभिवृद्धि करें। आपका चैनल SGKG स्टडीज, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, जिस पर RTI की क्लासेस हैं, जिस पर SSO प्रोबेशन क्लियरेंस एग्जाम की क्लासेस हैं, जिस पर ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर रिक्रूटमेंट की क्लासेस हैं, जिस पर SSO LDC एग्जामिनेशन की क्लासेस हैं, इनको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।